रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आजय तनु। दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में पेश है संजय निगम जी द्वारा लिखी एक कहानी, आज़ादी का रोमांच। काव्या एक छोटे शहर से आई थी और अब मुंबई की चमचमाती जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने बड़ी मेहनत से यहाँ अपने लिए जगह बनाई थी और अब वह खुद को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मॉडर्न महिला मानती थी। उसके जीवन का हर दिन एक रोमांच था। नौकरी के बाद दोस्तों के साथ घूमना, महंगे रेस्तरां में खाना पीना और देर रात तक पार्टियों में मस्ती करना। काव्या को लगता था कि उसकी ज़िंदगी बस ऐसे ही हंसी खुशी बीत रही है। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। एक शानदार रेस्टोरेंट में काव्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। शराब के दौर चल रहे थे और काव्या को भी शराब का नशा चढ़ने लगा था। वह खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन इस हल्केपन में उसकी होशियारी कहीं खो गई थी। पार्टी के दौरान उसने महसूस किया कि उसके एक दोस्त अर्पित, जो कि अक्सर उसके साथ पार्टी में आता था, आज उसे कुछ अलग ही नज़रों से देख रहा था। वह बार बार उसके करीब आकर उसे छूने की कोशिश कर रहा था और ये बात काव्या को असहज कर रही थी। लेकिन नशे में होने के कारण उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो अर्पित ने काव्या से कहा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी देर हो गई है। काव्या ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे लग रहा था कि वह खुद से घर नहीं जा पाएगी। अर्पित ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकाली और काव्या को उस पर बैठा लिया, लेकिन काव्या इतनी नशे में थी कि बार बार बाइक से गिरने लगी। अर्पित ने अपनी बेल्ट निकाली और काव्या को अपने पीछे बेल्ट से बांध दिया ताकि वह गिर ना सके। कुछ देर बाद जब हवा से काव्या का नशा थोड़ा उतरने लगा तो उसे बेल्ट से बंधे होने का एहसास हुआ। उसने अर्पित से कहा, प्लीज़ बेल्ट खोल दो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अर्पित ने कुछ दूर जाकर बेल्ट खोल दी, लेकिन तब तक काव्या का नशा काफ़ी हद तक उतर चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वे किसी और दिशा में जा रहे थे। अर्पित, ये कहाँ जा रहे हो? मेरा घर इस दिशा में नहीं है, काव्या ने घबरा कर पूछा। लेकिन अर्पित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बाइक की गति और बढ़ा दी। अब काव्या को डर लगने लगा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अर्पित प्लीज़ बाइक रोको, मुझे घर जाना है। लेकिन अर्पित ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। काव्या बुरी तरह घबरा गई थी। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर वह क्या करे। वह देख रही थी कि रास्ता वीरान हो रहा था और अब आसपास कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक पुलिस की गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई। काव्या ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए हाथ हिलाने लगी। पुलिस की गाड़ी ने उनकी बाइक के सामने आकर ब्रेक लगाया। अर्पित ने घबरा कर बाइक रोकी, लेकिन तब तक पुलिसकर्मी उतर चुके थे। काव्या ने तुरंत उतरकर पुलिसकर्मियों को पूरी घटना बता दी। पुलिस ने तुरंत अर्पित को हिरासत में ले लिया। काव्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे राहत महसूस हो रही थी। पुलिस ने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। दोस्तों, उस रात ने काव्या की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ ला दिया। उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मस्ती और बिंदास जीवन नहीं होता, बल्कि अपनी सुरक्षा और सीमाओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
उसने अपने जीवन को लेकर गंभीरता से सोचने का फैसला किया और अपने आप से वादा किया कि वह अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेगी। मुंबई की इस रात ने उसे एक सच्चाई का एहसास कराया था कि इस बड़े शहर में स्वतंत्रता के साथ साथ सतर्कता भी उतनी ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रखिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।